पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने कोविड 19 का कोरोना महामारी का बहाना ला के पंजाब की ऑनरेबल हाई कोर्ट के विच की कहा कि साढ़े कोले कोरोना महामारी कारण साढ़े कोले पैसा नहीं हैगा, असी पंजाब के किसानों नूं नहीं दे सकते। रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा केंद्र सरकार ने रोकिया गया, यह भी किसानों नाल बहुत वड्डा धोखा गा। कैप्टन साहब चुप ने हरेक मामले ते पंजाब दा मुख्यमंत्री मोदी साहब दा साथ दिंदा गा। जिहड़ा भी काला कानून केंद्र सरकार पास करदी आ, कैप्टन साहब असिद्धे रूप विच दोनों तरीकों के नाल जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार दा साथ दिंदे ने कि आ काला कानून आया गा, तुसीं सानू आग्या दिओ, असीं बिल्कुल जाण नूं तैयार, असीं मूहरे लगण नूं तैयार आ, साडे पिछे कैप्टन साहब लगण, क्योंकि कैप्टन साहब अपना याराना निभा रहे हैं, कैप्टन साहब अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक वफद सारे समूह MLA साहबान का, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, गुरमीत सिंह मीतहेर जी, प्रिंसीपल बुधराम जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, जयकिशन सिंह रोड़ी जी, सरदार कलतार सिंह संधवा जी, सरदार बलदेव सिंह जी, साडी वड्डी भैन सरबीत कौर माणूके जी, समुचे MLA साहबान जिहड़े हैगे ने पंजाब दे मानयोग गवर्नर साहब नूं मिल के आएंगे, क्योंकि दो बड़े इंपोर्टेंट इशू जिहड़े हैगे नेगे अज के बहुत बड़े दो इंपोर्टेंट इशू नेगे। सब तो पहला इशू की आ कि हिंदुस्तान दे विच केंद्र दी BJP दी जिहड़ी सरकार हैगी, मोदी साहब दी जिहड़ी गवर्नमेंट आ, उन्होंने एक होर काला कानून, उन्होंने एक होर, मैं समझदा कि जबर जनाह जिहड़ा हैगा पंजाब दे किसानां नाल कीता गा, देश दे किसानां नाल कीता गा। आ एक ऑर्डिनेंस जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ने पास कीता गा, यह ऑर्डिनेंस जिहड़ा हैगा गा बेशक उन्होंने कहा गा कि असी एयर पोल्यूशन कंट्रोल करन दे लई जारी कीता गा, क्योंकि जिहड़ा हवा दे विच पोल्यूशन आ, हवा दे विच पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्हां समें च फैल जांदा, उस नूं लै के केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कीता गा। और उस ऑर्डिनेंस से उस समय उस वक्त देश के राष्ट्रपति साहब ने मोहर लाती और दे जिहड़ा हैगा इस समय कानून बन के देश के किसानों के खिलाफ लागू होया गा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तो पराली की गल लैके स्टबल बर्निंग की गल लैके गल चल रही है। बहुत सारे ऑर्डर जिहड़े हैगे ने गे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट वालों जारी किए गए हैं गे, बहुत सारे ऑर्डर जिहड़े हैगे ने गे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों जारी किए गए हैं गे, उन्होंने ऑर्डर हाले तक ना पंजाब च लागू किया गया, ना सेंटर सरकार ने लागू किया गया। तुहानू सारयां नू पता गा कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की कहा सीगा कि किसानों नू मुआवजा दिओ, किसानों नू मशीनरी दिओ, किसानों नू जिहड़ा उन्हां दा घाटा पैंदा दिओ, पर लेकिन पंजाब सरकार ने कोई पैसा नहीं दिता हैगा। ईवन के केंद्र सरकार ने कोई भी राहत जिहड़ी आ हिंदुस्तान के किसानों नू जां पंजाब के किसानों नू नहीं दित्ती हैगी, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने COVID-19 का कोरोना महामारी का बहाना ला के पंजाब की ऑनरेबल हाई कोर्ट के विच की कहा कि साढ़े कोले कोरोना महामारी कारण साढ़े कोले पैसा नहीं हैगा, असी पंजाब के किसानों नूं नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों कोई मुआवजा नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों नूं सस्ते रेटा ते हैप्पी सीडर नहीं दे सकते, असी पंजाब के किसानों नूं कोई मशीनरी नहीं दे सकते। ये जिहड़ा एफीडेविट आ ये पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के विच सबमिट किया गा, और उपरों आ काला कानून सेंटर ने थोपिया गया, जिस कानून के कारण मैं समझदा पूरे पंजाब का किसान जिहड़ा वो होर बुरी तरह मारिया जाऊगा, क्योंकि जे आप मुआवजे की गल कर लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की गल की गई है, सॉरी 1 करोड़ रुपये की हरजाने की गल की गई है कि जिहड़ा किसान पराली नूं अग लाऊगा, पराली नूं साड़ूगा, उन्हूं 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता गा, 5 साल तक कैद हो सकती आ। सो यह बहुत ही सख्त कानून जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ने लेके आंदा गा। सो आम आदमी पार्टी यदि निखेधी करती है, आम आदमी पार्टी की अज मंग सी कि काला कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि अज के पंजाब के किसान की हालत तुहानू सारयां नू पता गा कि अज पंजाब का किसान पहले ही जिहड़े 3 बिल आए नेगे, जिहड़े 3 बिल BJP लैके आई है, उन्होंने खिलाफ पूरे पंजाब के धरनों पर बैठा गा, पूरा पंजाब जो प्रोटेस्ट हो रहा, पूरे पंजाबी जिहड़े हैगे नेगे केंद्र सरकार के खिलाफ रोस मुजहरा कर रहे हैं, और सेंटर सरकार लगातार पंजाब के हितों नू जिहड़ी आ वो ठुकरा रही है, पंजाब के हितों के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि आ जिहड़ा अध्यादेश आया गा, जिहड़ा ऑर्डिनेंस आया गा, यह भी एक मिसाल आ कि पंजाब के किसान नू किस तरह दबाउणा गा, पंजाब के किसान नू किस तरह लताड़ना गा, पंजाब के किसान नू किस तरह तबाह करना गा, क्योंकि अज जेकर देखा जाए तो 1 किले का रेट किन्ना 15 लख रुपये 16 लख रुपये, जेकर तुसीं जमीन खरीदनी होवे अज पंजाब च किन्ना गा 15-16 लख का किला गा, और उहदे ते 1 करोड़ का जुर्माना। सो किसान यह जुर्माना एडा वड्डा कित्थों भरूगा? सो किसान नू जेकर सेंटर सरकार कोई किसान नू राहत दिंदी, जेकर सेंटर सरकार
ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਲਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੜਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 23-10 ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ, 23-10 ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਔਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਲਗਭਗ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਵਾਦ ਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਝੁੱਕ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ 1750-1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੈਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣਾ ਯਾਰਾਨਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ
मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब नूं चैलेंज करता, जेकर तुहाडे दम नहीं तुसीं नहीं जा सकते, तुसीं सानूं आग्या दिओ, असीं बिल्कुल जाण नूं तैयार, असीं मूहरे लगण नूं तैयार, साडे पिछे कैप्टन साहब लगण, क्योंकि कैप्टन साहब अपना याराना निभा रहे ने, कैप्टन साहब अपनी दोस्ती निभा रहे ने। देखो अरविंद केजरीवाल जी बदनाम करने की कोशिश जिहड़ी आ मीडिया के एक सैक्शन वालों की गई है कि जानबूझ के किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक अजिहा घोल तैयार किया गा, अजिहा एक सल्यूशन, अजिहा एक हल लभ्या गा जिहदा प्रयोग दिल्ली च होया गा। दिल्ली दे विच बेशक जमीन घाटा, उत्थे भी धान हुंदा गा, उत्थे भी झोना हुंदा गा, उत्थे जिहड़ा असीं छिड़काव कीता सी पराली दे उत्ते, स्टबल दे उत्ते कीता सीगा, वो बड़ा प्रयोगफुल होया गा और लगभग 15 दिनों दे विच वो जिहड़ी पराली सी जां स्टबल सीगी जिहड़ी आ वो बण के जिहड़ी आ खाद बन गई आ, खाद दे रूप विच उत्थे वरती जा रही आ। पंजाब सरकार क्यों मूंह च पाउंदी आ, कैप्टन साहब क्यों नहीं वो कोल नूं लै के आउंदे, कैप्टन साहब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की नीति से विश्वास रखते कि जब दिल्ली के जिते कि साडा मैं समझदा बहुत थोड़े हिस्से दे विच बहुत थोड़े हिस्से के धान होंदा गा, बहुत थोड़े हिस्से के झोना होंदा गा, उत्थे दिल्ली के मुख्यमंत्री इन्ने चिंतित ने इस तरीके ना हल लभ्या गा। और पंजाब का मुख्यमंत्री जिहड़ा कि अग्रे पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट आ, अग्रेरियन स्टेट आ, पंजाब का मुख्यमंत्री खेतीबाड़ी मुख्यमंत्री मंत्री भी है नाल, सो पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों मूँह मोड़ रहा गा, क्यों नहीं किसानों की गल सुनता, क्यों नहीं खेत मजदूरों की गल सुनता, क्यों नहीं व्यापारियों की गल सुनता। इतों पता लगता गा कि कैप्टन साहब जिहड़े हैगे ने कि हर एक गल जिहड़ी मोदी साहब पास करदे ने उन्हें डिटो करते हैं तो मोहर लाते हैं इतने पंजाब ड्रामा करते हैं। देखो जो ऑक्सीमीटर की मुहिम आम आदमी पार्टी ने पंजाब शुरू की थी उस समय यही पंजाब के मुख्यमंत्री साहब की कहते थे कि पंजाब कोरोना फैल जूगा, पंजाब आम आदमी पार्टी अग ला रही है, पंजाब बारे बहुत सारिया जिहड़ियां मैं समझदा बेलोड़ियां गैर जिम्मेवारना सियासी टिप्पणियां कीतियां सी। बाद दे विच की होया, थोड़े दिन बाद पंजाब सरकार ने ऑर्डर देता कि असी 50,000 किटां असी लिया के वंडांगे। सो आम आदमी पार्टी बिल्कुल पंजाब सरकार नूं सहयोग देण नूं तैयार आ, मैं समझदा कैप्टन साहब कहण असी आपदा जिहड़ा कोल आ उह लैके आउण नूं तैयार आंगे। इहदे ते असी बिल्कुल जिहड़ा हैगा उह साडी पार्टी दी जिहड़ी आ एक्शन कमेटी जिहड़ी बणी हुई आ, पार्टी दा ग्रुप बणिया है, उह च डिस्कस कर रहे हांगे, बड़ी जल्दी तुहानूं इहदे बारे दस्सांगे। देखो उन्हां ऑर्डिनेंसां बारे अज साडी कोई गलबात नहीं हुई, अज जिहड़ा आ नवां काला कानून सेंटर दा आया गा जिहड़ा पराली नूं लैके आया गा इहदे ते गल होई आ, अज जिहड़ा आरडीएफ दा जिहड़ा पैसा गा उहनूं लैके गल होई आ, अज दो मुद्दिआं ते गल होई आ, अज पुराणे इशू ते कोई गलबात नहीं होई। और पंजाब के गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे माहौल दे विच बड़े अच्छे तरीके दे नाल गल सुनी आ, गल सुनने तो बाद भरोसा दवाया गा कि मैं सारा मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नाल टेकअप करूंगा। देखो अज के एजेंडे अज के एजेंडे शामिल नहीं सी, जिहड़ा अज का एजेंडा सीगा जिहड़ा असीं ऑलरेडी गवर्नर साहब नूं भेजिया सी उस एजेंडे ते बाहर जाके गल करन दी मैं समझदा गैर जरूरी हुंदी आ, अज के एजेंडे ते गल करनी बहुत इंपोर्टेंट। धन्यवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।